बहरहाल एक बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से, जहां पर बांदीपुरा में इस वक्त जबरदस्त एनकाउंटर हो रहा है। 3 से 4 आतंकियों ने गांव में पनाह ले रखी है और उनके खिलाफ फौज का ये ऑपरेशन पिछले कई घंटों से जारी है। आतंकियों को हर तरह से घेर कर हिसाब किया जा रहा है, लेकिन ये भी कोशिश है कि गांव के स्थानीय लोग जो है वो उनको नुकसान ना पहुंचे, उनके घरों को नुकसान ना पहुंचे, उस गांव से ये एनकाउंटर दूर ही रहे, क्योंकि गांव में 3 से 4 आतंकी छिपे हैं। ऐसे में वहां पर कई घंटे से ये ऑपरेशन जारी है। अशरफ वानी मेरे सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए। अशरफ, इस वक्त क्या ताजा स्थिति है, क्या अपडेट है इस पूरे एनकाउंटर को लेकर? यहाँ दरअसल बीती रात को ये पुलिस को जानकारी मिली थी कि बांदीपुरा के पास जो जिस्याना गांव है वहाँ जंगल के करीब जो है इस गांव में कुछ मिलिटेंट छुपे हैं। जब आज सुबह जब पहली रोशनी आई, पूरे इलाके की घेराबंदी कर दी गई, तो वहां पर एक घर से जो है सुरक्षा बलों पर गोलीबारी हुई, जिसकी जवाबी कार्रवाई जो है सुरक्षा बलों ने की और मुठभेड़ शुरू हुई। अभी जैसे आपने कहा कि फिलहाल यहां पर कोशिश की जा रही है कि जो आसपास के इलाके हैं उनको खाली कराया जाए और उसके बाद एक मौका दिया जाए छुपे हुए मिलिटेंट को कि वो सरेंडर करें, अगर ऐसा नहीं होता है तो इस मुठभेड़ को अंजाम तक पहुँचाया जाएगा। फिलहाल पूरे इलाके की घेराबंदी कर दी गई है, जो भी रास्ते इस गांव की ओर जाते हैं या वहां से निकलते हैं उनको सील कर दिया गया है और आम लोगों को इलाके से निकलने के लिए कहा गया है। अशरफ, आतंकियों की संख्या के बारे में कोई पुख्ता जानकारी? पुलिस के पास जो जानकारी है उसके अनुसार 2 से 3 जो है आतंकी छुपे हो सकते हैं गांव में, लेकिन वो सभी साफ हो जाएगा जब ये मुठभेड़ खत्म हो जाएगी। फिलहाल जो खबर सुरक्षा बलों के पास थी और पुलिस के पास थी वो यही थी कि 2 से 3 मिलिटेंट्स का ये ग्रुप है जो इस गांव में छुपा हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया अशरफ इस तमाम जानकारी के लिए आपका। तो बांदीपुरा में आतंकियों के साथ सुरक्षा बलों की मुठभेड़ पिछले कई घंटों से जारी है, ये एनकाउंटर चल रहा है, लेकिन आतंकी गांव में यानी कि रिहायशी इलाके में छुपे हुए हैं।